अगर आप टूथ पाउडर घर में बनाना चाहते हैं वो भी रेगुलर यूज करने के लिए, तो चार चीजें ऐसी हैं जो उसमें कभी मत ऐड कीजिएगा। बेकिंग सोडा, लेमन, सिरका, नमक, ये चार चीजें आप अपने टूथ पाउडर में कभी मत ऐड कीजिएगा अगर आप टूथ पाउडर रेगुलर यूज के लिए बनाना चाहते हैं तो। वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हिना। आज की वीडियो आपके टीथ की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सकें। अगर आप अपने लिए कोई टूथ पाउडर घर में रेडी करना चाहते हैं वो भी रेगुलर यूज करने के लिए, तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने टूथ पाउडर में कभी नहीं ऐड करनी चाहिए। बेकिंग सोडा, लेमन, सिरका और नमक यानी सॉल्ट क्यों नहीं ऐड करनी चाहिए? क्योंकि ये चार चीजें ऐसी हैं कि अगर आप रेगुलर अपने दांतों पर इन चार चीजों में से किसी एक चीज का भी रेगुलर यूज करते हैं, तो आपके दांतों पर जो एक लेयर होती है जिसे एनामेल कहते हैं, तो वो एनामेल जो है वो ब्रेक हो सकता है, वो एनामेल आपका डैमेज हो सकता है। अब एनामेल क्या होता है? एनामेल एक हार्ड लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक बैरियर होता है हमारे दांतों के ऊपर, जो कि हमारे दांतों को बचा के रखता है, सेफ करके रखता है। इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, जिस तरह से सी शेल्स भी कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं। अगर एक बार आपके दांतों के ऊपर का जो ये बैरियर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये इनेमल डैमेज हो जाए, तो वो दोबारा कभी भी नहीं बनता। अब इनेमल ब्रेक किस तरह होता है? इनेमल ब्रेक होता है पुअर डाइट से। जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड का यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस चाय और कॉफी पीने वाले लोग, जो कि अपनी ओरल केयर की बिल्कुल ख्याल नहीं करते, उनका जो ओरल केयर होती है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है। जो लोग एसिडिक चीजें जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उनका जो इनेमल होता है दांतों का, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डैमेज होने लगता है। और जब इनेमल डैमेज हो जाता है तो क्या मसले मसाइल होते हैं? हमारे दांत जो है बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठंडा गरम हमारे दांतों को लगना शुरू हो जाता है, कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक के टूथ डिके भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टूथपेस्ट के बारे में। देखिए, टूथपेस्ट चाहे कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ हार्मफुल केमिकल जरूर ऐड होते हैं। अगर टूथपेस्ट के ऊपर ये भी लिखा है कि वो 100% हर्बल टूथपेस्ट है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड ना किए गए हों। टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन, सॉर्बिटल, इस तरह के एलिमेंट्स ऐड होते हैं, जो कि ये केमिकल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये कैंसर कॉजिंग सारे केमिकल्स हैं। उसके अलावा हर टूथपेस्ट में सोडियम लॉरस सल्फेट जरूर ऐड होता है, क्योंकि इसका काम है झाग बनाना। और जो भी कोई ऐसी चीज होती है, साबुन, शैम्पू, सर्फ, इस तरह की कोई भी चीज जिसमें झाग बनने की जरूरत हो, उसमें ये केमिकल जरूर ऐड किया जाता है। बहुत बेहतर है कि आप अपने लिए, अपने टीथ की सफाई के लिए, दांतों की सफाई के लिए टूथ पाउडर खुद घर में ही रेडी करें। जो टूथ पाउडर मैं आज आपको बनाना बता रही हूँ, ये टूथ पाउडर बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई भी ऐसी चीज मैं ऐड नहीं करूंगी जो कि आपके इनेमल को नुकसान दे, जो कि आप रेगुलर यूज करें और उससे कोई भी आपको अपने टीथ के लिए किसी भी किस्म का नुकसान हो। हर चीज ऐसी है कि जो आप रेगुलर दिन में एक दफा, दो दफा, तीन दफा आप आराम से यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम अपने दांतों पर नहीं होगा। जो ये टूथ पाउडर मैं आज आपको बनाना बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा सेफ है रेगुलर यूज करने के लिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इतना इफेक्टिव है कि अगर आप रेगुलर इसको बनाकर यूज करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कुछ ही अरसे में आपके दांत इतने हेल्दी हो जाएंगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में, वो सारी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो भी टार्टर और प्लाक का बिल्डअप होगा आपके दांतों में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो जाएगा। जब टार्टर और प्लाक का बिल्डअप होता है हमारे दांतों में, तो उसके लिए स्केलिंग करवाई जाती है, जो कि एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। लेकिन स्केलिंग के बाद भी
अक्सर लोगों को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, तो ये एक हर्बल रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव है, सेफ है यूज करने के लिए। अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको स्केलिंग कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका टार्टर प्लाक जो है वो रेगुलर यूज से आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ चार चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए नीम का पाउडर। नीम का पाउडर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे दांतों की हेल्थ के लिए, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, जो भी जर्म्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर उनसे फाइट करता है। ये हमारे स्लाइवा का अल्कलाइन लेवल उसको मेंटेन रखता है, हमारे दांतों को, हमारे गम्स को स्ट्रेंथन करता है, बहुत मजबूत करता है। टीथ वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी हमारे मुंह से स्मेल आती है उसको भी ये सॉल्व करता है। उसके अलावा जितना भी टार्टर और प्लाक का बिल्डअप होता है आहिस्ता आहिस्ता उसको भी जो है ये निकालना स्टार्ट करता है। दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये टर्मेरिक हल्दी। हल्दी हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे दांतों और हमारे गम्स की हेल्थ के लिए। जो भी गम डिजीजेस होते हैं जिसमें गिंगिवाइटिस, पेरियोडोंटल डिजीजेस, उन सब को सॉल्व करने के लिए जो हल्दी है बहुत बेस्ट चीज़ है। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, टीथ वाइटनिंग के लिए एक्सेलेंट है, बहुत अच्छी होती है। रेगुलर यूज़ करने से आपके दांत बहुत वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी कैविटीज़ हमारे दांतों में बन रही होती हैं उसको भी सॉल्व करती है, प्लाक के बिल्डअप को भी रोकती है। तीसरी चीज़ जो इसमें यूज़ कर रही हूँ वो है क्लोव्स। क्लोव्स यानी लौंग। क्लोव्स जो है इसमें ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, जो भी हमारे गम्स में इन्फ्लेमेशन होती है उन सबको कम करते हैं। जो हमारे दांतों में दर्द, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए भी क्लोव्स, क्लोव्स का तेल, ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है टार्टर और प्लाक के बिल्डअप को रोकने के लिए। चौथी चीज़ जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो है सिनेनम यानी दारचीनी। दारचीनी जो है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, हमारी गम्स की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं इन्फ्लेमेशन से। जो भी हमारे गम्स में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उसको कम करते हैं। अब इसको बनाना किस तरह है, बनाना इस तरह है, आपने अगर इतनी क्वांटिटी रखनी है, आपने 2 चम्मच 2 टेबलस्पून आपने नीम का पाउडर लिया तो उसमें 1 टेबलस्पून आप ऐड करेंगे हल्दी, 7 से 8 उसमें आप लौंगे ऐड कर लें। अगर आपके पास बड़े टुकड़े दालचीनी के हैं तो आप 2 टुकड़े ऐड कर लें, या फिर आप ऐसे 5-6 छोटे टुकड़े उसमें ऐड कर लें और इन सब को मिक्सी में डाल के आप एक बहुत फाइन इसका पाउडर रेडी कर लें। उसके बाद इसको यूज़ किस तरह करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये पाउडर बनके हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको यूज़ किस तरह से करना है। आपको इस पाउडर का 1/2 टेबल स्पून से भी कम ये पाउडर लेके आपने इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल का। आप कोकोनट ऑयल इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसकी एक बेस बन जाए, और दूसरा कोकोनट ऑयल जो है हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। थोड़ा सा इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। कोकोनट ऑयल एंटी माइक्रोबियल है और बैक्टीरिया जो भी हमारे माउथ में होंगे उससे फाइट करता है। अब आपको इसको यूज़ किस तरह से करना है, आपको इसको अपनी फिंगर की मदद से लेना है और अपने अच्छी तरह अपने सारे दांतों पर, अपने गम्स पर इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अपना जो आपका ब्रश है, ब्रश की हेल्प से जिस तरह से आप ब्रश करते हैं बस उसी तरह से ब्रश करके आपको इसको स्पिट आउट कर देना है। ये इतना इफेक्टिव है और बिल्कुल सेफ है
रेगुलर यूज के लिए दिन में 2 बार 3 बार आप आराम से इससे अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, हेल्थ के हिसाब से भी आपकी दांतों के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके दांतों को कोई भी नुकसान हो। इसमें सोडा, नमक, सिरका, लेमन, ये चीज़ें मैंने इसीलिए नहीं ऐड की क्योंकि वो रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है। अगर आप उनका रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो आपको फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान करेंगी। इंस्टेंट तो आपको ब्राइटनिंग देंगी, अगर आप सोडे का इस्तेमाल या नमक का इस्तेमाल अपने दांतों पर करते हैं तो आपके दांत इंस्टेंट वाइट हो जाएंगे, लेकिन वो आपको उससे ज़्यादा नुकसान देंगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि उन चीज़ों का यूज़ ना करें, या अगर आपको करना ही है तो बस वंस इन अ मंथ ही आप उन चीज़ों का यूज़ करें। वो सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं, हमारे दांतों के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होती, हमारे एनामल को नुकसान करती हैं। तो ये रेमेडी आप बना के इस तरह से ये पाउडर रख लें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये पाउडर बना के अगर आपने रखा हुआ है, बस आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया, अपने दांतों पे लगाया, आपने ब्रश किया और बस आपका जो है स्पिट आउट कर दिया, आपकी रेमेडी हो गई और आपके दांत भी साफ हो जाएंगे। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, अपने लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी दांतों से रिलेटेड, गम से रिलेटेड, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगी। जो भी टार्टर का बिल्डअप, जो भी प्लाक का बिल्डअप होगा, एक दफ़ा के यूज़ में नहीं लेकिन यूज़ करते जाएंगे जब आप इसको कंसिस्टेंसी से, तो सारा टार्टर का बिल्डअप और जो भी प्लाक का बिल्डअप होगा वो सारा आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होता जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी, होप कि आपको पसंद आई होगी। रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।